देश में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों ने रविवार 18 जुलाई को एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत समेत कई देशों की सरकारों ने 150 से ज्यादा पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व अन्य एक्टिविस्ट की जासूसी करवाई। इसके लिए एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 38 लोगों की निगरानी की गई। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जासूसी का मुद्दा एक गंभीर विषय है। आज के इस वीडियो में दोनों तरफ के मीडिया के पक्ष को देखते हैं। पहले बात गोदी मीडिया की डिबेट की करते हैं। न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवकर ने अपने डिबेट में इस मुद्दे पर चर्चा की और द वायर द्वारा छापी गई इस रिपोर्ट पर टिप्पणी भी की कि एक फ्रांस की एनजीओ छोटी सी और एमनेस्टी इंडिया के जो कारनामे है वो देश को पता है, देश के खिलाफ किस तरह से वो काम करती रही है। लेकिन उन दोनों की रिपोर्ट के मद्देनजर देश में हंगामा और सदन में नहीं चलने देना किस हद तक जायज है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने कहा कि संभावित किसी का भी नाम हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वायर में जो पूरा का पूरा विषय लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि जिनके नाम आए हैं वो संभावित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का सर्विलेंस हुआ है, जरूरी नहीं है कि उनका फोन हैक हुआ है। हो सकता है वो संभावित पोटेंशियल टारगेट्स, पॉसिबल पोटेंशियल टारगेट्स। आपके वेबसाइट को पर, आपके वेबसाइट को कोट करें, ऐसी 2500 वेबसाइट इस देश के अंदर है और आप इतने बड़े चैनल पे इस ऐसी वेबसाइट को कोट करें। मेरा निवेदन है कम से कम हम अगर कोई बड़ा अखबार है, कोई बड़ी पत्रिका, उसको आप कोट करिए। मुझे लगता है कि ऐसी 2500 वेबसाइट घूम रही है इस देश के अंदर जिसको आप कोट कर रहे हैं। इसके अलावा इस मुद्दे पर एक डिबेट जी न्यूज पर भी देखने को मिली। वे इस मुद्दे को लेकर विपक्ष से सवाल करते नजर आए। ताल ठोक के कह रहे हैं देश को सुपारी गैंग से बचाओ, देश को सुपारी गैंग से बचाओ। मतलब भारत की सुपारी है, देश से गद्दारी नहीं, जासूसी बहाना, भारत निशाना। मतलब जैसे इंडिया की सुपारी ले रखी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा चलाने के चक्कर में विदेशी दुष्प्रचार, देसी स्टार, सुपरस्टार या आप कह लीजिए फ्लॉप स्टार, क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं, मतलब देशी विदेशी दुष्प्रचार, देसी सुपरस्टार, क्योंकि भारत की बदनामी वाली जासूसी टूलकिट को आज फिर जोर शोर से उठाया गया। जासूसी कांड को लेकर आज भी संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सदन में चर्चा की मांग की, जिसकी वजह से आज भी कई बार संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पूछ रही है कि सरकार चोर नहीं है तो भैंस से क्यों भाग रही है। कांग्रेस ने पूछा कि सरकार चोर नहीं है तो क्यों भाग रही है भैंस से। कह रही है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया, भारतीय जासूस पार्टी, टैपिंग जीवी सरकार, अब की बार टैपिंग जीवी सरकार, सब कुछ सरकार का पक्ष है कि ऐसे भारत की बदनामी वाली नई टूलकिट है। सरकार ने कहा यह खबर पूरी तरह से निराधार है। और भी कुछ मीडिया चैनल्स की डिबेट्स देखिए जिनमें इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन आप सवाल सुनिए किससे हो रहे हैं। जिस जनता ने आपको वहां पहुंचाया है आप उसके सवाल नहीं पूछते। मैं कहता हूं आपके लिए पेगासस, चलिए आपकी बात मान ली, 40 लोगों का हुआ, 100 लोगों का हुआ, 80 लोगों का हुआ, सरकार तो मना कर रही है। जिन्होंने छापा है उन्होंने भी सवालिया निशान के साथ कि सबूत नहीं है, हमने छाप दिया है बस, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने दिया तो हमने छाप दिया, क्योंकि मोदी विरोध तो करना है। Now Pegasus has flopped, we all know it, and Pegasus has flopped not because of the Republic Media Network. Pegasus has flopped because it has failed on one simple front: the complete absence of concrete evidence. No concrete evidence. There is not one bit of concrete evidence that the phones were hacked. Not one. अब बात दूसरी तरफ की मीडिया की करते हैं। अकेला तो वायर नहीं है जिसने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, और भी कई बड़े न्यूज पोर्टल हैं जिनमें इस मुद्दे से जुड़ी रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया गया। आप रवीश कुमार को सुनिए, वे बता रहे हैं उन न्यूज पोर्टल्स के नाम जिन्होंने इस स्टोरी को प्रकाशित किया। पेरिस में बिना मुनाफे की पत्रकारिता करने वाली संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को 50,000 से अधिक फोन नंबरों की सूची मिली है जिनकी निगरानी की गई और की जाने वाली थी। इनमें से 1,000 के आसपास फोन नंबर की ही जांच की जा सकी है। एमनेस्टी ने अपने फोरेंसिक लैब में इन नंबरों की जांच की और दुनिया के 15 समाचार संगठनों से साझा किया। समाचार संगठनों ने अपने स्तर पर भी तमाम सूचियों का परीक्षण किया है। इस सूची में भारत, अजरबैजान, बहरेन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के फोन नंबर हैं। भारत में दी वायर ने इस पर खोजी काम किया है तो अमेरिका में दी वॉशिंगटन पोस्ट,
पीबीएस फ्रंटलाइन, ब्रिटेन में द गार्डियन, फ्रांस के लामोद, रेडियो फ्रांस, जर्मनी के एक बड़े अखबार ज्यू डॉयशे साइटुंग और डी जाइट में छपा है, बेल्जियम के लेसवा और नैक और इसराइल के हआरेज में भी खबर छपी है, लेबनान, हंगरी, मैक्सिको के अखबारों में खबर छपी है, भारत में दिवायर पैक्सिस प्रोजेक्ट में शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने इस मुद्दे को अपनी वीडियो के जरिए उठाया और सरकार से इस मुद्दे पर कुछ तीखे सवाल भी किए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सरकार ने तो संसद में आज भी कह दिया, अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार की तरफ कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है, सरकार ने न तो जासूसी की न ऐसी कोई मंशा है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही ऐलान किया, उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया, कांग्रेस की फितरत है जासूसी की, बीजेपी और बीजेपी सरकार का कोई लिंक इस जासूसी कांड से नहीं मिला। अगर मोदी सरकार कहती है कि इस जासूसी कांड से मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या सरकार इसराइल की कंपनी एनएसओ से स्पाईवेयर खरीदा या नहीं, इसका खुलासा क्यों नहीं करती? अगर सरकार कहती है कि इस जासूसी कांड से उसका कोई लेना देना नहीं और ये डेटा लीक होने का मतलब ये नहीं कि इनकी जासूसी हुई, तो फिर सरकार खुलकर ये क्यों नहीं कहती कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं, इजरायली कंपनी एनएसओ से उनके स्पाईवेयर को खरीदा या नहीं? अगर ये भी सरकार खुलकर कहती है तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम ने इस मुद्दे पर चर्चा की और कई अहम जानकारियां भी दी। उन्हें लगता होगा कि नेता लोगों की रिकॉर्डिंग तो करते ही हैं, चलता है, सरकार जान भी लेगी तो हमारे फोन में ऐसा क्या है। लेकिन ऐसी बात नहीं। फर्ज कीजिए कि आपके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर घुस आया, आप अपने बेडरूम में हैं और कोई आपके फोन से आपके अंतरंग क्षणों को रिकॉर्ड कर रहा है, बाथरूम में नहाते वक्त कोई दूर बैठा आपके फोन का कैमरा ऑन कर देता है और रिकॉर्ड कर सकता है, बाद में कोई इस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर सकता है या इस जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। जासूस सिर्फ इतना नहीं करता, आपके फोन से पासवर्ड उड़ा लेता है, फोन बैंकिंग की सारी जानकारी ले लेता है और एक झटके में बैंक से पैसा निकाल लेता है और आप कंगाल हो सकते हैं। इस तरह प्राइवेसी का मतलब आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। सरकार यह भी जान सकती है कि आपने अपने फोन से किसे वोट देने की बात की है और उसके बाद वह आपके साथ सब कुछ कर सकती है। सीनियर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस मुद्दे को अपनी वीडियो के जरिए उठाया और इस मुद्दे को चुनावों से जोड़कर कुछ अहम जानकारी भी साझा की। दोस्तों 2014 के बाद इस देश में बीजेपी ने जिस भी राज्य में चाहा वहां सरकार बना ली, अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो उसके बाद विधायकों को खरीद लिया और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन लोटस। और यह सिर्फ खेल एक दो राज्य में नहीं हुआ है, अगर आप फेरिस्त देखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में उत्तराखंड आएगा, आपके जहन में पुडुचेरी आएगा। और विधायकों की खरीद फरोख्त इस देश के भीतर में लोकतंत्र को इतना सस्ता बना चुकी है, या फिर लोकतंत्र की खरीद फरोख्त कुछ विधायकों की खरीद के साथ हो जाती है। दरअसल अभी तक तो यही समझ में आ रहा था, लेकिन इस ऑपरेशन जासूसी ने कई परतों को खोलना शुरू कर दिया है और इसमें पहली बार यह भी नजर आ रहा है कि दरअसल ऑपरेशन लोटस के ठीक समानांतर एक ऑपरेशन जासूसी चलती है। यह जासूसी उन लोगों को साधने को लेकर होती है जिनके जरिए सत्ता गिराई जा सकती है, या फिर जिनकी रणनीति को अगर पहले से जान लिया जाए तो सत्ता गिराने में कोई मुश्किल होती नहीं है। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर मंगलवार यानी कि 20 जुलाई को सरकार पर हमला और तेज किया और इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। सरकार ने सोमवार यानी कि 19 जुलाई को लोकसभा में नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग कर जासूसी करने के आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।